हेलो एंड वेलकम बैक। ये वीडियो जब मैं लास्ट टाइम रजाइना गई थी तब की है। इधर ये इसी चीज का एक बढ़िया है, तुम 10 मिनट में पहुंच जाते हो जहाँ भी जाना है। 10 मिनट भी नहीं लगा ना हमको। आज मैं नोरा के साथ मछली लेने आई हुई हूँ। यहाँ बंगाली दुकान में फ्रोजन रोहू मिल जाती है, तो वहाँ आई हूँ मैं दोस्त के साथ। यहाँ पर काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स की मछली मिल जाती है जो कि बांग्लादेश से आती है, तो यहाँ पर छोटी मछली, बड़ी मछली और इवन ड्राई फिश भी मिल जाती है, तो हम वो सब देखेंगे और यहाँ कैसे मछली काटते हैं वो भी देखते हैं। शादी मुबारक, शादी को 5 साल अपने को लेना है ना। क्या ड्राई फिश? ये कटी हुई कौन सी फिश है? सो स्नेक फिश। ये छोटी फिश, ये भी छोटी फिश, ये और भी छोटी फिश। ये देखो ड्राई फिश। यो फिश, ये तो हिल्सा है। हिल्सा। हाँ बाप रे, ये तो कितने बड़े बड़े हैं। ये रोहू है बट कितना बड़ा है देखो। हाँ, ये तो ना ले सक ना ना ये बहुत बड़ा है नूरा। ये टेस्टी नहीं लगेगा। तो छोटा वाला चाहिए। हाँ देख ले कौन सा लेना है। ये कौन सा है फिर? ये तो हाँ ये रोहू है। हिल्सा नहीं, हिल्सा है। अब छोटा साइज का मछली मिलता नहीं है यहाँ पर, तो ये वाली मछली ले रहे हैं हम। ये देखो ओए कितना बड़ा। ये कौन सा? चलिए अब यहाँ पर फ्रोजन मछली कैसे काटते हैं वो देखेंगे। ये रही मशीन, इससे मछली कटेगी। ये काफी नॉइजी रहता है तो मैंने साउंड म्यूट कर दिया है। और ये देखिए कैसे फटाफट मछली कट गई है ना, एकदम मस्त। मछली मिल गई, अब घर चलते हैं। अच्छा लगता है? खा के देख ले एक बार। उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ फिर बाद में। अच्छा मैं क्या करती हूँ पता है, ड्राई फिश लाती हूँ और उसमें ढेर सारी सब्जियाँ डालती हूँ, जैसे कि ये कद्दू हुआ। तुम नहीं इसको खाते हो? वो मैं सब्जी के लिए नहीं खाता हूँ, फिर चखने के लिए खाता हूँ। अच्छा हाँ समझ में आया। मैं सब्जी बना देती हूँ उसका, उसमें आलू बैंगन कद्दू मतलब वो सारे चीज जो ऐसे मिल के ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे टाइप के सारी सब्जियाँ लाती हूँ और उसको अच्छे से मसाले में भून के, और फिर इसको भी थोड़ा सा हल्का फ्राई करके मसाले में भून के बना देती हूँ और थोड़ा सा उसमें खट्टा डाल देती हूँ। तो खट्टा डालने से थोड़ा अच्छा लगता है बस। बीच में थोड़ा वॉलमार्ट से छोटा मोटा सामान भी लेना है, तो वो सब लेकर फिर घर चलते हैं।
सुबेरे की मस्त वाली कड़क चाय और चाय के बाद ही हम बनाएंगे आज मछली। मछली आज मैं दो टाइप की बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने मछली को कल रात से ही फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख लिया था ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, डिफ्रॉस्ट हो जाए। और अभी इसको साफ करेंगे, इसके फिन सारे निकाल देंगे। काफ़ी ईजिली निकल जाता है ये। और मछली क्लीनिंग डन। अब बस इसमें हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। नेक्स्ट अभी मछली फ्राई करना है तो इसके लिए एक पैन में सरसों का तेल गरम करा। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, बट उड़िया लोग सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं और उसी से ही खाने का टेस्ट आता है। और अब हम इसमें मछली के पीसेस डाल के इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हो गया। अब बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूँ आलू। आलू को मैंने लंबा लंबा काट के धो के इसमें डाल रही हूँ और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब उड़िया खाना है तो इसमें आलू तो डालना बनता ही है। क्यों, सही बोला मैं? हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं तो इसे भी निकाल लेती हूँ। नेक्स्ट मैंने एक बड़ा सा पैन चढ़ाया, फिर से इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो इसमें डाला सरसों और जीरा। अब जाएगा इसमें प्याज, लाल मिर्ची पाउडर, फिर हरी मिर्ची और टमाटर डालकर इसको कुछ देर पकाना है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर हल्दी और नमक। अब इसको अच्छे से मिलाकर मसाला को पकने देना है। ये देखिए मसाला पक चुका है तो अब इसमें पानी डालकर मिला देंगे। पानी आपको जितना झोल चाहिए उतना ही डालो और इसे अभी ढककर इसको उबलने छोड़ देंगे। एक बार ये अच्छे से उबल जाए तो इसमें हम डालेंगे फ्राइड मछली। फ्राइड आलू भी डाल देंगे अब इसमें। और इसको ढककर कम आंच में 20 मिनट पकने छोड़ देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और मेरी मछली तरकारी डन। ऊपर से बस इसमें धनिया पत्ता डाला और ये रेडी टू सर्व। सरसों वाली मछली के लिए पहले मैं सरसों का मसाला बनाऊंगी। उसके लिए एक जार में मैंने डाला 1 चम्मच सरसों, 2 चम्मच जीरा,
ये हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन, और इन सबको मिलाकर सरसों का मसाला बना देंगे। अभी जिस पैन में मैंने मछली फ्राई की थी उसी में थोड़ा सा तेल बचा है, तो मैं वही पैन यूज़ कर रही हूँ। उसमें डालूँगी सरसों, फिर जीरा, फिर इसमें डाल रही हूँ प्याज, और इसको फ्राई कर लेंगे। अब डाला इसमें हरी मिर्ची, फिर टमाटर डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, आप चाहो तो ना डालो। फिर हल्दी, मिर्ची और नमक डालकर मसाला को अच्छे से पका लेना है। मसाला पक जाए तो लास्ट में इसमें सरसों का मसाला डालकर इसको बस 1-2 मिनट ही पकाना है, ताकि ये कड़वा ना हो जाए। कुछ 2 मिनट हो चुके हैं, अब जाएगा इसमें पानी। ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है, इसमें डालेंगे हम फ्राइड मछली और आलू। अब बस इसको कुछ 8-10 मिनट सिमर होने छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये तैयार है। फिर से ऊपर से डाला धनिया पत्ता और अपनी सरसों वाली मछली भी रेडी टू सर्व। बेटा खाने में लेट मत कर। मैंने नहीं खाना, मैंने बना दिया। ऑफिस होता है जब तो वो बना है ना, वो खा के चले जाएंगे। नहीं एक ही लाओ, रुको ले मैं करती हूँ, पकड़ो। यम्मी यम्मी मछली। तो अभी हम पेट पूजा करेंगे और आप लोगों को मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आप सभी को जैसा कि मैंने कहा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।